टाटा IPL 2022 दिल्ली वर्सेस हैदराबाद के बीच खेला गया। टॉस जीता हैदराबाद ने और गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरे दिल्ली कैपिटल्स और स्टार्ट में ही अपनी पहली विकेट गंवा बैठे। भुवनेश्वर कुमार ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। पहले ओवर में पावर प्ले के पहले ओवर में मनदीप सिंह जीरो पे चलता किया। दो नंबर पे मिचेल मार्श बल्लेबाजी करने आए, 10 रन बनाकर आउट हो गए और SRH को दूसरी सफलता मिली। तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने आए कप्तान ऋषभ पंत। वार्नर ऋषभ पंत के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई। 9वें ओवर में शेष गोपाल गेंदबाजी करने आए। ऋषभ पंत ने अच्छी बैटिंग की, 3 बॉल 3 छक्के और 1 चौके के और अपनी विकेट गंवा बैठे। इसी के साथ तीसरी विकेट मिली शेष गोपाल को। 4 नंबर पे बल्लेबाजी करने आए रोमन पॉल। वार्नर और रोमन पॉल के बीच में बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप हुई। रोमन पॉल और वार्नर लास्ट तक डटे रहे। दिल्ली की टीम ने 207 रन 20 ओवर 3 विकेट गंवाए। दिल्ली ने टारगेट दिया 208 रन SRH को। SRH की तरफ से अच्छी स्टार्ट नहीं रही। अभिषेक शर्मा पहली विकेट गंवा बैठे और केन विलियमसन साथ ही साथ दूसरी विकेट। खलील अहमद को पहला विकेट मिला। केन विलियमसन को ऑनरिक नोकिया ने आउट किया, दूसरी सफलता मिली दिल्ली कैपिटल को। इसी के साथ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए त्रिपाठी। अपनी टीम के लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं सके, 22 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल मार्श को मिली तीसरी सफलता। मिचेल मार्श ने दिलाई दिल्ली कैपिटल को तीसरी सफलता और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए मिचेल मार्श SRH को मंजिल तक ले जाने के लिए निकलस पुरन आए और एडन मार्करम। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी, पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो गई थी। एडम मार्करम बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 25 बॉल 42 रन बनाए और खलील अहमद ने चौथी विकेट हासिल की और दिल्ली कैपिटल